भीलवाड़ा सामान्य परिचय। विश्व प्रसिद्ध रामस्नेही संप्रदाय का मूल स्थान एवं वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात भीलवाड़ा जिले को राजस्थान का मैनचेस्टर, अभ्रक नगरी तथा राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। एक कथा के अनुसार यहाँ भिलारी नामक सिक्के ढाले जाने के कारण इसका नाम भीलवाड़ा पड़ा। प्राचीन किंवदंती के अनुसार यहाँ की भील जाति के आदिवासियों ने महाराणा प्रताप की मुगलों के विरुद्ध युद्ध में सहायता की थी, इसलिए इसका नाम भीलवाड़ा अर्थात भीलों का क्षेत्र भीलवाड़ा रखा गया। भौगोलिक परिदृश्य। भौगोलिक स्थिति, यह जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित। पड़ोसी जिले, इस जिले की सीमा अजमेर, राजसमंद, टोंक, बूंदी व चित्तौड़गढ़ जिले के साथ लगती है। कुल 5 जिले एवं मध्य प्रदेश राज्य के साथ। पड़ोसी राज्य, यह जिला मध्य प्रदेश राज्य के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, जो सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है। ऊपरमाल का पठार, यह पठार बिजौलिया भीलवाड़ा से सरोरगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य विस्तृत है। वनस्पति, यहाँ पर पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। जोर कृषि फसलें, इस जिले में मक्का, मूंगफली, कपास, गेहूं, जौ, सरसों आदि फसलों का उत्पादन होता है। यहाँ दक्षिणी अमेरिका में होने वाली फसल किनोवा की खेती प्रारंभ की गई है। खनिज, इस जिले में ताबा, लोहा, यस्कपुर, बनेला, टंगस्टन, सीसा, जस्ता, रामपुरा, आगुचा, अभ्रक राज्य में प्रथम ग्रेनाइट, लाइमस्टोन तथा एस्बेस्टोस के भंडार पाए जाते हैं। उद्योग, इस जिले में वर्ष 1938 मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स एवं वर्ष 1965 राजस्थान को ऑपरेटिव मिल्स गुलाबपुरा की स्थापना की गई थी। भीलवाड़ा को वर्ष 2009 में वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा प्राप्त हुआ था। भीलवाड़ा में कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर खोला गया है। मेजा बांध, यह भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर स्थित है। इसकी पाल को ग्रीन माउंट कहा जाता है। अपवाह तंत्र, इस जिले में कोठारी, मानसी, बनास, बेडच व मीनाल नदियां प्रवाहित होती हैं। त्रिवेणी संगम बीगोद, बिंगोद, इस जिले में बनास, बीरच, मीनाल का त्रिवेणी संगम बीगोद स्थित है। मीनाल नदी, इसका उद्गम मांडलगढ़ की पहाड़ियों से होता है। इस नदी पर मीनाल जलप्रपात स्थित है। स्थापत्य एवं सांस्कृतिक परिदृश्य। बागोर सभ्यता, कोठारी नदी के किनारे स्थित महासतियों के टीले का उत्खनन वर्ष 1967 में वीरेंद्र नाथ मिश्र के निर्देशन में किया गया। यहां से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं। उजियाना सभ्यता, यहां से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बिजोलिया शिलालेख, यह शिलालेख 1170 में श्रावक लोलाक ने पार्श्वनाथ जैन मंदिर में उत्कीर्ण करवाया, जिसके रचयिता गुणभद्र थे। इस शिलालेख में चौहानों को वत्सगोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है तथा चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव को सांभर झील का निर्माता बताया गया है। बदनौर का युद्ध, यह युद्ध 1456 में हुआ, जिसमें राणा कुंभा ने महमूद खिलजी व कुतुबुद्दीन की संयुक्त सेना को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने भीलवाड़ा में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया। हुरड़ा सम्मेलन, मराठों का सफलतापूर्वक सामना करने हेतु आवश्यक उपाय सोच निकालने के लिए सवाई जय सिंह ने राजस्थान के सारे शासकों को हुरड़ा में एकत्र करने का प्रयास किया। 16 जुलाई 1734 को पूर्व निश्चित स्थान हुरड़ा में सम्मेलन आरंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता मेदाड़ के नए महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। सम्मेलन में सवाई जय सिंह के अलावा जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का बख्त सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जन साल, बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल पाल, किशनगढ़ का राज सिंह आदि छोटे बड़े नरेश उपस्थित हुए। विचार विमर्श के बाद 17 जुलाई को सभी शासकों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। समझौते के अनुसार सभी शासक एकता बनाए रखेंगे तथा मराठों के विरुद्ध वर्षा ऋतु के बाद कार्यवाही आरंभ की जाएगी, जिसके लिए सभी शासक अपनी सेनाओं के साथ रामपुरा में एकत्र होंगे, लेकिन यह सम्मेलन असफल रहा था। शाहपुरा रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ एवं शाहपुरा फड़कला के लिए भी प्रसिद्ध है।
यहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा में 1 मार्च अप्रैल 5 दिन के लिए फुलडोल मेला आयोजित किया जाता है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह, जोरावर सिंह और प्रताप सिंह बारहट शाहपुरा के थे। यहाँ त्रिमूर्ति स्मारक, बारहट जी की हवेली तथा पिवनिया तालाब स्थित है। फर कला, कपड़े पर लोक देवता के जीवन का चित्रण फर कला कहलाती है। इस कला के लिए शाहपुरा का जोशी परिवार विख्यात है। इनके द्वारा चित्रित बाबूजी, देवनारायण जी एवं रामदेव जी की फर प्रमुख है। जोर शाहपुरा रियासत, शाहपुरा 14 अगस्त 1947 को उत्तरदायी शासन की घोषणा करने वाला प्रथम देशी राज्य था। इस रियासत का विलय राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान में कर दिया गया था। शाहपुरा प्रजामंडल वर्ष 1938 में रमेश चंद्र ओझा द्वारा शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। बदनौर फोर्ट भीलवाड़ा में मध्ययुगीन भारतीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण बदनौर किला स्थित है। 7 मंजिला यह किला एक छो पहाड़ी पर बना हुआ है। माधव गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र यह गादरमाला में स्थित है। मांडल यहाँ जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की छतरी स्थित है। बिजोलिया भीलवाड़ा जिले का बिजोलिया शहर यहाँ के श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र बिजोलिया किला और मंदाकिनी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किले में स्थित शिव मंदिर को हजारेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र 2700 वर्षों पहले का माना जाता है। जहाजपुर यह मेवाड़ की सीमा की रक्षा के लिए राणा कुंभा द्वारा बनाए गए किलों में से एक है। गांव में शिव को समर्पित मंदिरों का एक समूह है जिसे 12 देवरा कहते हैं। यहां गबी पीर मस्जिद स्थित है। मोहम्मद संत गबी बादशाह अकबर के समकालीन थे। देवनारायण का मंदिर यह मंदिर बनास नदी के किनारे आसीन में स्थित है। यहाँ भगवान देवनारायण के प्रतीक के रूप में ईंटों की पूजा होती है। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। हरनी महादेव यह दराब परिवार के पूर्वजों द्वारा स्थापित किया गया। गायत्री शक्तिपीठ हिंदू धर्म की प्रमुख देवी शक्ति या सती का पवित्र पूजा स्थल है। तारांकन धनोप माता जी जिले के धनोप गांव में शीतला माता का मंदिर स्थित है। यहाँ देवी शीतला माता की काले पत्थर की प्रतिमा स्थित है। श्री बीर के बालाजी मंदिर भीलवाड़ा के शाहपुरा तहसील में स्थित है। श्री चारभुजानाथ मंदिर कोटड़ी तहसील में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। बागोर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी तीर्थ यात्रा पर जाते समय ठहरे थे। यह गुरुद्वारा मंडल तहसील के बागोर गांव में स्थित है। चामुंडा माता मंदिर हरनी महादेव की पहाड़ियों पर स्थित है। जटाओं का मंदिर यहां स्थित 11वीं शताब्दी में स्थापित जटाओं का मंदिर एक शिव मंदिर है। बावड़ियों इस जिले में चोखी बावड़ी, चिमना बावड़ी, बायराज की बावड़ी तथा सीताराम की बावड़ी स्थित हैं। पैनोरमा यहाँ भगवान देवनारायण पैनोरमा मालासेरी स्थित हैं। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व केसरी सिंह बारहट शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में 1872 में जन्मे केसरी सिंह बारहट 1872-1941 डिंगल के उच्च कोटि के कवि एवं क्रांतिकारी थे। 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में जब मेवाड़ महाराणा फतह सिंह भाग लेने जा रहे थे तब केसरी सिंह बारहट ने डिंगल भाषा के 13 सोरठे चेतावनी रा चुंगटिया लिखकर महाराणा को भेजे जिनसे प्रभावित होकर महाराणा दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हुए। केसरी सिंह का प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस से निकट संपर्क था। मास्टर अमीरचंद के पास इन्होंने अपने छोटे भाई जोरावर सिंह पुत्र प्रताप सिंह और जामासा ईश्वरदान को क्रांति के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए दिल्ली भेजा। इन्होंने कोटा में एक क्रांतिकारी दल की स्थापना की। साधु प्यारीलाल हत्याकांड में इन्हें बिहार की हजारीबाग जेल में रखा गया। वहां के जेल अधीक्षक की अनुशंसा से इन्हें वर्ष 1920 में रिहा कर दिया गया।
जब इन्हें अपने पुत्र प्रताप सिंह की शहादत की सूचना मिली तो इन्होंने प्रसन्नता से कहा, भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। जोरावर सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई जोरावर सिंह बारहट का जन्म उदयपुर में हुआ था। ये 12 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग्स की सवारी पर बम फेंकने में क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद के सहयोगी थे। वर्ष 1939 में वे कोटा पहुंचे और यहीं निमोनिया की घातक बीमारी से इनकी मृत्यु हुई। प्रताप सिंह बारहट शाहपुरा में जन्म। कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति पिता केसरी सिंह बारहट एवं चाचा जोरावर सिंह बारहट से विरासत में मिली थी। वे क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद तथा रासबिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए। प्रताप सिंह बारहट को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया और सन 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई। बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई, तब प्रताप सिंह ने कहा, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। मुकुट बिहारी भार्गव हरिभाव उपाध्याय ने इन्हें राजस्थान का सीआर दास कहा है। जानकीलाल भांड, इन्होंने बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रस्तुत कर विश्व प्रसिद्ध बनाया। इन्हें राजस्थान का मंकी मैन भी कहते हैं।